इस न्यूज के प्रायोजक हैं रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट, बिग ऑन परफॉर्मेंस, रॉकेट प्लस, द ग्रेट खलीका, वादा, रॉकेट ईबी चले सबसे ज्यादा। रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेने के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 9878740455। ये चार बार के वो सांसद है और 16 साल हो गया उनको संसद का जो प्रतिनिधित्व करते हुए, लेकिन रेल की बात बार बार करके उन्होंने हमीरपुर के लोगों को ठगा है और हमीरपुर रेल पहुंचाने की बार बार बात की है, लेकिन वो वहां तक रेल नहीं पहुंचा पाए। और अगर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से मुझे जो है संसद में जाने का मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर जो उन्होंने कहा था वो हम पूरा करेंगे, और अगर हमारी जो है इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो इसमें निश्चित तौर पे हम ये नहीं सोचते कि इन्होंने वादा किया था और हम इस पे बात नहीं करेंगे। निश्चित तौर पे इस चीज की रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने की और उसे आगे और आगे लेके जाने की ये बातें होती हैं और इसको करना भी चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो रेलवे लाइन जो है वो बहुत कम है और रेलवे लाइन से अगर हिमाचल प्रदेश जुड़ेगा तो हिमाचल का विकास होगा, और विकास के मामले में अगर किसी की सोच हो, अनुराग जी की ये सोच थी कि वो हमीरपुर रेलवे लाइन लेके जाना चाहते हैं लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पाए। आप उसकी बात छोड़िए, देरा में मैं जाके आया था अभी पीछे, तो वहाँ भी एक जो पुरानी रेलवे लाइन है वो उसका पुल टूट चुका था, वो पुल उस पुल को भी नहीं बना सके और वहाँ आगे रेल लाइन उस पटरी से नहीं जा रही है। तो ये सारी चीजें बहुत कुछ करने को है, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता है। तो अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है और मुझे संसद में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे हमीरपुर भी रेल पहुंचाने की कोशिश करेंगे हम, और इसके साथ साथ जो कांगड़ा में रेलवे लाइन जोगिंदर नगर की ओर जाती है उसमें भी हम सुधार लाएंगे और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।